चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। वो बता रहे थे कि भैंसवाल गांव है और वहां पर वे आए थे दिल्ली में, उनका कोई ठेकेदार था, कह रहा था तुम्हें काम पे लगा दूंगा कंपनी में। ऐसे ही यहाँ से आके क्या है वहाँ से आ जा ले लो जी। ये सब आप लोगों के बैग हैं? जी जी, आप लोगों के बैग हैं। तो अभी राशन वगैरह खत्म हो गया या बचा है? जी सर, चल रहा है, खत्म हो गया सर, कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ नहीं, आ गए बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले? कौन सा जिला बिहार का? जिला दरभंगा। दरभंगा जी। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हो? रह रहे और 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हो यहाँ पे? यही पल्लेदारी सीमेंट का काम करते हैं। उसमें क्या होता है? वही कि जितने बे का काम किया उतना ही मुझे पैसे मिलेगा, अगर 200 बे के काम किया 250 के मिलेगा। तो दिहाड़ी मजदूरी का काम बस जी। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है जी, आपकी कोई लगी बंधी तनख्वाह तो? कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। तो दिहाड़ी मजदूर का तो ये होता है, काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। मिलेगा। तो अब कैसे हालात है? हालात तो बहुत खराब हम लोगों को, नहीं यहाँ खाने का न कोई चीज़ सुविधा, न कोई चीज़ का कुछ, कहीं से कोई राहत न कुछ मिल ही नहीं रहा। कितने लोग फंसे हुए हैं? 8 आदमी फंसे हुए हैं। कोई सहायता मिली सरकार की ओर? कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो खाने का बंदोबस्त कैसे हो पाया? खाने का बंदोबस्त जो हमने पहले से 2 पैसे रख रखा था कमा के, वो खा लिए हम लोग। अब तो है नहीं कोई सहायता। घर जाने के लिए कुछ? घर जाने के तो सोच ही रहा, जब यहाँ भूखा थोड़ी मरना, भूखा मरेंगे यहाँ पे, भूखा मर के क्या फायदा? कहीं भी खेत में भी काम देखे, कहीं कोई काम धंधा मिले नहीं। कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बसें फ्री चल रही है और मजदूरों को उनके गांव छोड़ा जा रहा है? नहीं ऐसा, हम लोगों को, मैं तो कितने लोग के पास गए, DM के पास गए, पुलिस प्रशासन के पास गए, सबके पास गए, कोई किसी ने नहीं सुना मेरी। अच्छा, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि रिपोर्ट बना के दे दो, लिख के दे दो, आधार कार्ड नंबर दे दो, सारे दे दो। दे दिया मैंने लिख के, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई। और आप 8 के 8 लोग गांव जाना चाहते? हाँ, पर लेकिन यहीं पे फंसे हुए? फंसे हुए। और ये जो जगह है जी जहाँ रहते हो, उसका क्या कितना किराया है? इसका किराया जी 2000 रुपये है। 2000 रुपये किराया? हाँ। तो मकान मालिक किराया भी मांगते होंगे? अभी तो मांगा नहीं भाई, लेकिन बाद में लेंगे। अब बाद में तो आएगा जब पता लगेगा। अच्छा, इतने दिनों से, लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को चले हुए जी, 40 दिन हो गए, तो इसमें क्या ऐसा भी कोई दिन आया है कि जब तुम्हें खाना ना मिला हो, खाने के कारण रह गए हो? 2 दिन 3 रोज तो भूखा रह गए। अच्छा, हाँ, 3 रोज। एक दिन हमने पड़ोसी जब देखा ज़्यादा परेशानी हो गया, तो भूखा था, तो एक दिन पड़ोसी से चावल ले गए, खिचड़ी बना के खाया। अच्छा, 8 के 8 लोग भूखा रहे? हाँ। क्या फायदा होगा? अरे इतने दिन से कह रहा है, सब दिन कह रहा है कि लॉकडाउन 15 को खुलेंगे, 17 को खुलेंगे। ये लॉकडाउन देखते देखते हम लोग में यहाँ 1.5 महीने से बैठे हुए, भूखे मर रहा है यहाँ पे, कोई सरकार सुनने के लिए काबिल नहीं है। हम लोग क्या करें? हम लोग पैदल भी जाएंगे तो पैदल भी जा नहीं सकते, कोई मेल लोग का है नहीं। अब बताइए, आज भी गया हूँ, पूरा सब चीज़ के लिखवा कर लाया हूँ, वो भी बोले हैं कि 2-4 दिन के बाद होंगे, आपको पहुँच जाएगा, तब गाड़ी के सुविधा देंगे। वो भी सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा था, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे यहाँ। कहो ना, कल हम सब पैदल ही निकल लेंगे सोचिस से, बोलो ना। बताइए, नहीं होगा, नहीं सुविधा दे रहा था हम लोग को, भाई पैदल निकल रहे, कोई परमिशन बना दो, पैदल चल जाते हैं, कोई नहीं सुनवाई ले रहा है यहाँ पे। तो पैदल जाने के लिए तैयार हो? हाँ, पैदल भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। रास्ता ही हम लोग को क्या करेंगे, भूखे तो यहाँ मर नहीं सकते, कोई दे नहीं सकते। जब सब जगह से जा रहा पैदल तो हम लोग भी जा सकते हैं ना, दिक्कत सीखा तो अपना काट के ही चल जाएंगे। काम भी रहा, चल भी काम भी कर रहा भाई, तो चलो भाई थोड़ा बहुत, थोड़ा दिन रुक जाओ भाई, देख रहे। अगर
सरकार बस की भी सुविधा उपलब्ध करा दे। क्या आपके पास पैसे है टिकट खरीदने के? नहीं जी। कैसे, हम सब पैदल जाएंगे? तो यहाँ का कितने का टिकट होगा? दरभंगा जिला है ना आप लोगों? हाँ जी। तो कितने का टिकट होगा यहाँ से? वैसे तो ट्रेन का है जी 300 रुपए है, और बस का? बस का 1200 रुपए नीचे, 1000 रुपए, और स्पेशल कराएंगे तो 1500 रुपए है। तो लगभग आप सबका 10-12 हजार रुपए का खर्चा उसमें आएगा। क्या आप लोगों के पास इतना है? नहीं जी। अगर होता तो सबसे पहले खाने के लिए इस्तेमाल, पैसे रहते तो पहले खाना पहले देख रहे हैं, चूल्हे जलाते हैं, सब कुछ जलाते हैं, आटा पाटा सब गूंथते, एक सांस खाए, एक सांस बनाता हूँ तो दो सांस कहीं खाया था, खाया ना देख सांस सो जाता हूँ भूखे। तो अभी कितना राशन आपके पास बचा? हम लोग के पास कुछ भी अभी राशन नहीं है। तो अब शाम का टाइम है, 7 बजने वाले हैं, अब क्या खाना बस है? थोड़ा बहुत होगा तो चाल उल के मैं ढक्कन आपको दिखा देता हूँ, लाकर रुक जाइए। दिखा दो। इसी में रख रखे हो? ये देखिए नमक लिया, ये देखिए चाय रख दो, ये देखिए कितना ही आटा है। नमक के बोरा ले आवा ना, फिर लूंगा बोरा दिखा, आटा दिखा, हरियर मिर्चा ले ले आवा, आनी मांग कहू एक भूज के खा लावा। नमक के डब्बा ले आवा ना जाना। तो इसमें तो आप लोगों का एक वक्त का खाना भी नहीं बनेगा? नहीं, इसी में तो गुजारा कर लेंगे, चाहे 2 रोटी 1 रोटी खा के पानी तो पी लेंगे। राशन के लिए फोन किया आपने किसी सरकारी आदमी को? किया था। कौन से नंबर पे? 1076 पे। अच्छा, तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उसने आश्वासन दिया कि आपको जल्दी शिकायत दर्ज कर लिया जाएगा। मैंने अगले दिन फ़ोन किया, फिर वहाँ से फिर यहाँ किसी ने भेजा, वो आए थे पुलिस वाले। फिर पहले तो सुबह से तो भूखे ही रह गए, बोला कि आपको खाना मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। हमने इंतज़ार देखा, सुबह से बज गया था 2 बजने के बाद भी नहीं आया कुछ। एक बार आया था तो नाम नूम लिख के ले गया, उनके बाद वो दोपहर में 2 बजे के करीब खिचड़ी लाया था, एक एक डब्बे छोटे छोटे थे, तो वो खा के पानी उनी पी के फिर रह गया सारे दिन। एक टाइम का खाना? एक टाइम। उसके शाम में भी हम लोग भूखे सो गए, राशन आया नहीं। फिर अगले दिन फ़ोन किया यहाँ को 100 नंबर पे, तो जिनके पास काम करते थे तो उनसे राशन दिलवाया, तो भी 15 दिन का दिया। उसके बाद ख़त्म हो लिया तो आगे उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं। 3 आदमी का ये फोन है, फेंक दो कबाड़े में तो लूट भी कोई नहीं। 1100 में भी है। आपकी टिकट कर लिया, बना लेते बिहार के बना लिया।